हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है थर्सडे, 12 तारीख हो गई है और अभी दोपहर का टाइम हुआ है। और आज है ना बहुत कम ठंड है पहले से, आज ठंड में फ़र्क पड़ा क्योंकि आज रात को है ना बारिश हुई थी और बारिश के बाद थोड़ा मौसम सब खुल गया है ना। धूप भी आज बहुत जल्दी निकल आई थी सुबह, पर तेज़ नहीं है धूप इतनी, वैसे ठंड नहीं है, कम ठंड है। पर मैं तो मोटी स्वेटर टोपा सब कुछ पहन रही हूँ क्योंकि नीचे तो बहुत ठंड है। बाहर आके बिल्कुल फिर भी ठीक लग रहा है, ऊपर मेरे को गर्मी लगने लगी टोपा पहन के। ऊपर आई थी बस घूमने के लिए, धूप सेकने के लिए थोड़ी सी। और दोपहर का हो गया टाइम, बस अभी जाके लंच बनाऊंगी। और आज मैं सोच रही हूँ लंच में पुलाव बना लूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए पुलाव नहीं खाए हमने, तो आज पुलाव बनाऊंगी सारी वेजिटेबल डाल के, घी डाल के। सर्दियों में पुलाव तो मस्त लगते हैं एकदम। बस लगा लिए, सेक लिया मैंने, धूप काफ़ी देर हो गई आए हुए, तो बस अभी नीचे जाके लंच बनाऊंगी। और चौंधा लग रहा है मेरे को सूरज का सामने। दूध उबल गया है, आज हमारा दूध वाला नहीं आया तो दुकान से दूध लेने गई थी। और इधर मैंने चाय रख दी है, मेहमान आए हुए हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। और दुकान गई थी ना तो मैं तिल भी ले आई क्योंकि अभी मकर संक्रांति आने वाली है ना, तो तिल के लड्डू बनाऊंगी तो आज ही बना लेती हूँ, दो एक दो दिन पहले ही। फिर उस दिन तो क्या पता टाइम लगेगा नहीं लगेगा, तो इसके बाद अब लंच बनाऊंगी पहले। और अभी 3:30 बज गए हैं तो लंच हमारा हो गया है और बस मेरे पास अभी ना फ्री टाइम था तो मैंने सोचा अभी लड्डू बना लेती हूँ तिल के और कच्ची मूंगफली के, उनको फ्राई करके मतलब। और दो गोले रखे हैं, काफी दिन हो गए, जब बुआ बात नोतने आई थी ना तब वो गोले कुछ नहीं लेके आते हैं तो तब के दो गोले रखे, तो अब वो अभी तक यूज ही नहीं किए हैं तो सोचा आज यूज कर लेती हूँ लड्डुओं में। तिल के और गुड़ के लड्डू बनाऊंगी तो उन्हीं में डाल लूंगी, तो बस अभी वही बनाने जा रही हूँ। अभी फ्री टाइम तो है ही मेरे पास, काम सारे हो चुके, अब तो शाम को खाना ही बनाना है। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ तिल और गुड़ के लड्डू और साथ में क्या क्या सामान डालती हूँ उसमें। चलो लग जाते हैं काम पे। तो यहाँ पर मैंने तिल ले लिए, मैं 1 किलो तिल लेके आई हूँ, ये व्हाइट वाले तिल। यहाँ पर ये व्हाइट वाले तिल ही मिलते हैं, वो हमारे जो खेत वाले होते हैं ना ब्राउन तिल, वो मिलते ही नहीं, तो 1 किलो तिल ले आई हूँ। और एक ये छोटा सा कटोरा है, ये मूंगफली है, इनको भी फिर भून लूँगी मूंगफलियों को भी। ये गुड़ ले लिया है और ये तो गोले ले लिए हैं, तो ये सारी चीज़ों को मैं अब देखना, इन सारी चीज़ों का लड्डू बनाऊँगी, इन सारी चीज़ों के भी लड्डू बनाऊँगी। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं मूंगफलियों को भून लेती हूँ। तो मूंगफलियों को भूनने के लिए मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी और इनको सूखा ही भूनूंगी, घी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, तो सिम गैस करके भूनने के लिए रख दी हूँ। और साथ साथ में मैं जो ये गोले हैं इनको मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। वैसे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, तो मैंने इसमें मिक्सी जार में डाल लिए हैं, छोटा छोटा काट के डाल लिया है क्योंकि अगर बड़ा बड़ा काटती ना तो ये अड़ते अच्छे से पीस नहीं पाते, तो मैंने इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और तब पीस लिया। ये देखो कितना अच्छा पीस गया है। और मूंगफली भी भुन गई थी, बस अब इनको ठंडा करके इनके छिलके उतार लूँगी। और जितने छिलके उतरे ना मेरे से मैंने उतने उतार लिए। तो मूंगफलियों के छिलके उतार लिए हैं और छिलके अलग कर दिए हैं, तो अब बारी आ गई है तिलों की। और तिल मैंने सारे ही डाल लिए हैं क्योंकि बड़ी कढ़ाई थी तो सारे 1 किलो ही तिल थे, तो सारे ही आ गए कढ़ाई में। और तिल को हल्का सा भूनूंगी, मतलब जब इनका थोड़ा हल्का हल्का कलर चेंज हो जाएगा ना तब तक मैंने इनको भूना है। और बस भूनने के बाद फिर इनको पीसूंगी तो थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। ये देखो कलर सा चेंज हो गया है। और जब तक ये तिल ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं कढ़ाई में मैंने दोबारा से घी डाल लिया है। और अब इस घी में मैं डाल लूँगी जो गोले मैंने पीसे थे, तो वो पीसे हुए गोले डाल लूँगी और इनको थोड़ा सा भूनूंगी। इनमें जब हल्की हल्की महक आनी शुरू हो जाएगी ना तब तक ही मैंने इनको भूनना है। और जब तक गोले को भुना तो ये तिल भी तब तक ठंडे हो गए थे, तो अभी तिलों की बारी आ गई है पीसने की। तो तिल डाल लिए हैं मिक्सी जार में और 3 बार करके ये तिल आए थे क्योंकि मिक्सी का ये जार थोड़ा छोटा था और तिल थे ज़्यादा, तो मैंने 3 बार करके पीसा। लेकिन मैंने इनको दरदरा दरदरा पीसा, बस 2 बार ही ऐसे घुमाई थी मिक्सी तो तभी पीस गए थे। और ये मैंने ये जो गोले हैं इन्हीं में मिला लिए हैं,
और अब आ गए हम मूंगफलियों का नंबर। तो मूंगफलियों को भी मैं पीस लूं, और मूंगफलियों को भी है ना मैंने दरदरा दरदरा ही पीसा, क्योंकि जब हम लड्डू खाएंगे तो इनका टेस्ट आएगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाया है, दरदरा दरदरा ही पीसा मूंगफलियों को भी। और बस अब इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया था। और ये जो स्टील वाली परात थी ना, ये छोटी पड़ रही थी, तो मैंने बड़ी पित्तल वाली परात निकाली, सामान ज़्यादा हो गया था तो फिर उसमें अच्छे से मिल गया था। और बस अब आ गया है चाशनी का नंबर। तो चाशनी बनाने के लिए तो मैं गुड़ की चाशनी बनाऊंगी। तो गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच घी डाला है इसमें कढ़ाई में, और ये गुड़ तोड़ लिया था, इसकी छोटी छोटी डली बना ली थी ताकि जल्दी से पिघल जाए। तो ये गुड़ डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था। और अब जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता ना, ये गुड़ अच्छे से पिघल नहीं जाता, तब तक मैं इसको गर्म करूँगी। ये देखो उबाल आ गया अच्छे से, तो मतलब चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है और चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब इस चाशनी को मैं ये जो तिल का गोले का और मूंगफली का मिक्सचर है इसमें डाल दूंगी। तो मैंने बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा बना लिया था, उसी में डाल दी थी गर्मा गर्म चाशनी। और चाशनी है ना मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाली, आधी एक बार डाली थी और आधी एक बार डाली थी, ताकि एक ज़्यादा ना हो, पर ये सही बनी हुई थी, बिल्कुल नाप की बनी हुई थी, तो सारी चाशनी आ गई थी। और बस इसको चाशनी को डाल के और चम्मच से ही अच्छे से मिला लिया था, क्योंकि बहुत गर्म था ना, तो हाथ से मिलाती तो हाथ जल जाता, तो पहले मैंने चम्मच से मिलाया था। और जब ये हल्का ठंडा हो गया ना, तो फिर मैंने हाथों से मिलाया था। तो बस चाशनी को अच्छे से तिलों में मिला के और बस अब मैं इसके लड्डू बना दूंगी। और जल्दी जल्दी सारे लड्डू बना दिए थे, क्योंकि जब ज़्यादा ठंडा होने के बाद फिर लड्डू बनने मुश्किल हो जाते हैं, तो हल्का हल्का ही गर्म था तभी बना दिए थे। और सच में तिल के लड्डू है ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं, मैं तो हर बार सर्दी आती है ना तब ज़रूर डालती हूँ, और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं बिल्कुल। पिछली बार मैंने डाले थे मकर संक्रांति वाले दिन, और अब की बार तो मैंने 2 दिन पहले ही डाल दिए, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था क्या पता टाइम लगे ना लगे मकर संक्रांति वाले दिन, कुछ और प्लान बना रखा हमने, तो मैंने 2 दिन पहले ही डाल दिए। और कई दिन तक चलेंगे ये, तो मकर संक्रांति वाले दिन भी हम खूब खाएंगे इनको। तो बन के तैयार हो गए हैं तिल के लड्डू, आ जाओ आप सब भी खा लो। और कान्हा जी के भोग के लिए मैंने अलग से निकाल दिया है, अभी श्याम की पूजा करूंगी तो कान्हा जी को भोग लगा दूंगी और पूजा कर लूंगी। अभी शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं और मम्मी जा रहे हैं पुनीता के घर, पुनीता के यहाँ जा रहे हैं, तो उसने बुलाया, बोली चाय पी जाना और जो उसकी सकरात आई वो देख जाना। तो बस कल भी जा नहीं पाए तो टाइम ही नहीं लगा, कल वहाँ चले गए थे टेलर के, उधर पुनीता गौशाला में गई हुई थी तो ऐसे टाइम नहीं लगा, तो आज प्लान बना है जाने का। और मेरे लड्डू भी बन गए हैं तिल के, जो मैंने लड्डू बनाए थे लड्डू बना के रेडी कर दिए हैं, और अभी हम नीता के घर जाएंगे। चलो फिर चलते हैं, पहुंच गए हम पुनीता के घर। देखो मम्मी पीछे पीछे आ रही है। पुनीता कहाँ हो? अच्छा सब इधर ही बैठे हो। नमस्ते आंटी जी। तेरी माँ को नहीं आई? आ रही है मम्मी पीछे पीछे। सिया दिखाओ आपकी कैप तो बड़ी सुंदर है। वाओ डॉगी डॉगी की कैप पहन रही है सिया। फॉक्स है, फॉक्स कैप। ओके वाओ फॉक्स कैप। ये सिया के इतने खिलौने पूरी बास्केट भर रखी है। और एक बास्केट वाओ सिया का गिलास। तो चाय पानी हमारा हो गया, बस चाय पी के अभी रखी है, और अभी पुनीता अपना सामान दिखाएगी क्या क्या आया उसका सकरात में। तो एक आंटी का सूट और अपना सूट तो सिलना दे आई है, और एक ये साड़ी आई है, और इसका ब्लाउज देखो कितना सुंदर है, सिलवा लिया ये। इसके चारों तरफ ये क्रिस्टल वाली लैस लगवा रखी है, बाजू पे भी और नीचे भी, तो इससे बहुत ही सुंदर लग रहा था ब्लाउज, और पहनने के बाद तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। ऐसा ही तरह लहंगे का कलर है। हाँ दुकानदार ने लिख रखा है रोशनी दो कर फाल लगानी है।
मेरी मम्मी स्पेशल बोल के आती है, तेरी माँ का नाम है रोशनी। अच्छा। मेरी मम्मी ना फोन लगवाती नहीं है बाहर, पर वो दुकान वाला बोला कि सुंदर है एक नंबर की। और ये क्या है, साड़ी ये आंटी की? नहीं ये भी मेरी है। अच्छा ये भी सही। ब्लाउज रेड कलर का है मेरे पास, तो मैं ब्लाउज नहीं सिलवाऊंगी। ये उस दिन मनु के बर्थडे वाले दिन पहन के जा रही थी मैं, पर मैंने फिर मेरा मेरे को वो चल रहा था ना काम, तो मैंने कैंसिल कर दिया। सही है। जब है तो के जरूरत था सब। हाँ, 3-4 है मेरे पास रेड ना, अलग अलग कलर, अलग अलग कलर। सही है। इसका कलर सुंदर, चूड़ा भी सुंदर है। ये साड़ी सही मैचिंग है। हाँ तो साड़ी पे ही है। इयररिंग्स के करना के है? इयररिंग्स तो इसकी कमजोरी है, बड़े सुंदर है। ये कड़े भी सुंदर है ना। मैचिंग हो गए सारे। ये भी साड़ी से मैचिंग, सारी चीज साड़ी से मैचिंग है। मम्मी ये आंटी का चूड़ा। हाँ ये दीदी का चूड़ा, छोटा साइज तो नहीं सही है लगा तो है ना आंटी। देखो पहन के लगा सब छोटो, देखो देखो पहन के पतली इसका ही मिलता है ज्यादातर ना, तो ये सही है। ये पतला अच्छा, ज्यादा ऊंचे वाला ना तो बड़ा बड़ा हड़बड़ा हो, उसमें तो पूरा बड़ा बड़ा मैं तो बढ़िया नहीं लगा करूँ मैं, ज्यादा ऊंचे ऊंचे ये सही है। आप देखो मम्मी मेरे ये 2-8 का ऐसे चुड़ी आती है। हाथ पतले हो गए अब तेरे। 2 किलो वजन कम करके। राजू क्यों ना है बढ़िया? 2 किलो 12 किलो था वो 12 किलो अभी भी 2-3 किलो बड़ा है आने के बाद मम्मी। 12 किलो कम नहीं होता आंटी, बहुत ज्यादा हो जाता 12 किलो वेट। मानो भैया तो बिल्कुल ही पतले हो गए, अभी आने के बाद 4 किलो बढ़ गया, फिर और बढ़ना चाहिए। तू बढ़ा की छोड़ा 83 मानो में 81 आए थे ना जब 78 था, 4 किलो बढ़ गया। हाँ। सही है बढ़ना चाहिए। फिर बढ़ा लो, फिर बढ़ा लो, आपने क्यों ना बढ़ाया? दीदी आंटी बात सुन लो, चलो हम तो चले। खुश रहो बेटा, सदा स्वाभिमान भगवान का जोड़ी दूंगा। आंटी आंटी जी के है ना पैर तो कति पतले पतले हैं मेरी माँ की तरह। हाँ, पैर पतले पतले मास तो रहे कुना डर नहीं है। चल ठीक है, बाय 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 बाय। सी यू योर जैकेट माँ का सत्य आगे साल तक गोदी बच जा रहा है। आप जाना पसाई आपके पैर छुड़ाऊंगी। गलती आ जा आ जा गलती से छुड़ा लेने का पैर छुड़ा दे। बाय बाय ये काम तो मैं मिल जाऊंगा। मैं एक दिन भी तू के छुड़ा जैसे एकदम जगह ही ना कर मेरी तो आगे कुड़ी पाई उसके नीचे होती है। क्या हो गया फिर बड़ी थी बड़ी थी बड़ो आप भी चू लांगे तो भी की में चलो चलो हम चलते हैं। अच्छा सिया सिया करने के फिर क्या हम इतनी कैप। अच्छा चल नीचे बाय फ्रेंड, कैप पहन ले आ जा गोदी, आ जा गोदी ले। Yes, we will say. Come. Not their house. We are not going to their house. मेरे साथ चलेगी। आपके लिए गोल। You want to go their house? Not now. Tomorrow we will go. लो भाई पहुंच गए हम घर और लेट ही हो गए आज तो खाना बनाने में। बस अभी जाके खाना बनाऊंगी, अभी तो सोचा भी नहीं है क्या बनाना है, तो पहले डिसाइड करते हैं क्या बनाएंगे और फिर बनाऊंगी, तो लेट आज पहले ही हो गई हूँ। तो चलो अभी फटाफट बना लेती हूँ और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड कर लेती हूँ और मिलती हूँ आगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।